तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपन आज स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एडिशन रिएक्शन नाम से पता है, कोई आयन, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल अगर आके ऐड होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कहते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को अपन एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन जनरली उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड हो सॉरी या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनमें प्रेजेंट होती है ना। तो उससे क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड डिसोशिएट होता है और उससे टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड डिसोशिएट होगा यानी कि दो एलिमेंट के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड दोनों का डिसोशिएट होगा और सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, आपके पास फॉर्मेशन होगा। तो कल मैंने बताया था कि कितने टाइप की होती है अपने पास एडिशन रिएक्शन, उसमें से फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कि अगर आपके पास कोई एडिशन रिएक्शन है उसमें फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल हो, फर्स्ट अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल हो, यानी कि कह सकते हैं कि आपके पास अटैकिंग रिएजेंट होंगे तो दोनों ही, पर पहला अटैक कौन करेगा, पहला अटैक अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल करता है तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट अटैक, अटैक तो दोनों का ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल का भी होगा और किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी होगा, बट फर्स्ट अटैक अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का हो तो उस केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहोगे। सर कैसे, जैसे आपके पास ये है एथीन, सी डबल बॉन्ड सी है ना, कोई एल्कीन है, इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रेजेंट है अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल भी है और आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। दोनों ही अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो अगर यहाँ पे फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो जाए तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। फर्स्ट अटैक किसका हो जाए, फर्स्ट अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का हो जाए तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। कि सर थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म बता दो कि मैकेनिज्म कैसे होती है, तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। क्या आपके पास कोई एल्कीन है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास R CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, CH2, और यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड इन टू स्टेप। पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, देखो R CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, सर पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा अपने पास, पार्शियली पॉजिटिव। अब आपके पास क्या है, एक तो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है कि सर पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है कि सर नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं वो, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लवर, यानी कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा यहाँ पे और आपके पास फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, R CH पे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आर CH पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल प्लस NU पे कौन सा चार्ज, माइनस, ये कहां जाएगा यहां पे, और किसका फॉर्मेशन होगा, RCH NU CH2 E, ये आपके पास फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और स्टेप सेकंड में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो किसी के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सर दोनों ही कार्बन एटम है, ये भी आपके पास कार्बन एटम, ये भी आपके पास कार्बन एटम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बावजूद भी आपने गलती कर दी कि सर आप यहाँ पे भी तो ट्रांसफर कर सकते थे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरी थोड़ी कि आप यहीं करो। तो बेटा जी यहाँ पे भी कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि देखो आपके पास क्या है, आर सी एच डबल बॉन्ड आपके पास है CH2, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप दो साइड से यानी कि दोनों कार्बन पे ट्रांसफर कर सकते हो। एक कार्बन पे करोगे तो क्या आएगा, आर सी एच यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास RCH, आप नेगेटिव यहाँ लेके आओ और CH2 पॉजिटिव यहाँ लेके आओ। यहाँ पे भी कार्केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट वाले में भी, और सेकंड वाले में भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास, कार्केटाइन का फॉर्मेशन, दोनों में ही कार्केटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कार्केटाइन है वो कितने डिग्री है कि सर 2 डिग्री, यहाँ पे जो कार्केटाइन है वो कितने डिग्री है आपके पास, 1 डिग्री। ऊपर वाली कंडीशन में कितने डिग्री कार्केटाइन है कि सर 2 डिग्री है, नीचे वाली कंडीशन में कितने डिग्री है कि सर 1 डिग्री है। तो विद कार्केटाइन इज मोर स्टेबल 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो आप कहोगे कि सर 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है और फिर आपके पास क्या रहता है, 1 डिग्री स्टेबल होता है। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। स्टेबल प्रोडक्ट के लिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा, 2 डिग्री पे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये जो है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहता है, और ये जो है वो आपके पास क्या रहता है, माइनर प्रोडक्ट। माइनर क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्पेटाइन का फॉर्मेशन होता है जिसकी स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री कार्पेटाइन का फॉर्मेशन होता है जिसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, ज्यादा है। मीन्स मैं यूं कह सकता हूं दैट रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, सी के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी जिस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिएगा आप क्या कर सकते हो, कार्ब कैटायन को स्टेबल भी कर सकते हो बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। कि सर कैसे, कि आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे आपके पास प्लस चार्ज आ गया, है ना, ये आपके पास कितने डिग्री कार्ब कैटायन हो गया, ये आपके पास 1 डिग्री कार्ब कैटायन हो गया। ठीक है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्ब कैटायन लिख देते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, 1 डिग्री कार्ब कैटायन है आपके पास, है ना। आपने क्या करा, आपने करा कि सर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप था, इस हाइड्रोजन को यानी कि इसको हमने इलेक्ट्रॉन के सहित यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहां पे होगा 1,2-hydride shifting, 1,2-hydride shifting. पहले आपके पास कितने डिग्री कार्पेट आयन था कि सर पहले हमारे पास 1 degree था, अब आपके पास कितने डिग्री हो गया कि सर अब हमारे पास 2 degree कार्पेट आयन हो गया। पहले कितने डिग्री था आपके पास 1 degree, अब आपके पास कितने डिग्री कार्पेट आयन हो गया 2 degree। कौन सा ज्यादा स्टेबल कि सर सेकेंड वाला स्टेबल, इसको अपन क्या कहते हैं 1,2-hydride shifting। क्या आपके पास फर्स्ट सेकेंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकेंड नंबर कार्बन है, सेकेंड नंबर पर कार्बन पे जो हाइड्रोजन था उसको आपने यहां शिफ्ट कर दिया फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, तो इस टाइप की आप शिफ्टिंग को क्या कहते हो 1,2-hydride shifting। और 1,2-hydride shifting से क्या होता है कार्बकैटायन की स्टेबिलिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1 degree था, यहाँ पे आपके पास अब कौन सा डिग्री हो गया, आपके पास 2 degree हो गया। ठीक है कि सर और एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं क्या, एकदम पॉसिबल है, CH3, CH2 और CH2, यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है इसको आपने शिफ्ट कर दिया, कि शिफ्ट करने से क्या हुआ सर, शिफ्ट करने से यहाँ क्या आ गया CH3C, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे आपके पास CH3 और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने डिग्री कार्बकैटायन था कि सर यहाँ पे हमारे पास 1 degree था, यहाँ पे कितने डिग्री हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे सर हमारे पास 3 degree कार्बकैटायन हो गया। तो इसे अपन क्या कहते हैं 1,3-hydride shifting, 1,3-hydride shifting। पहले वाली कौन सी शिफ्टिंग थी आपके पास 1,2-hydride shifting थी, अब वाली आपके पास शिफ्टिंग कौन सी हो गई 1,3-hydride shifting। इससे भी क्या हुआ, पहले जो ये कार्बकैटायन 1 degree स्टेबल था ये कितने डिग्री हो गया, आप कन्वर्ट हो गया 3 degree में, और 3 degree इज मच मोर स्टेबल देन द 1 degree है ना। यहाँ आपके पास 1,2-hydride shifting था, पहले कार्बकैटायन कौन सा था 1 degree था, अब आपके पास कार्बकैटायन कौन सा हो गया 2 degree, यानी कि स्टेबिलिटी आपके पास कार्बकैटायन की क्या हो गई चेंज हो गई, 1 degree से कौन सा हो गया आपके पास 2 degree हो गया। तो जो EAR है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो हमेशा डिपेंड करेगी कार्बकैटायन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा कार्बकैटायन स्टेबल होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पॉइंट पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन बात करेंगे दो चीजों पर, एक आगे अपने पास केमिकल रिएक्शन भी आएगी एल्कीन की, उसमें अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये जो एल्कीन है CH2 double bond CH2, इस एल्कीन को अपन कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, इसको अपन क्या कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं वो भी आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन आपके पास क्या है सेम। सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन कभी भी आप HX के साथ, के सर X क्या होते हैं, X आपके पास हैलोजन होते हैं, कभी भी आप HX के साथ करवाते हो तो आप कहीं पे भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो और कहीं पे भी हैलोजन ऐड कर सकते हो, चाहे आप यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दो चाहे आप यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दो। मीन्स प्रोडक्ट आपके पास क्या हो सकता है कि या तो आपके पास CH3CH2X हो सकता है और आपके पास क्या हो सकता है CH2X CH3 हो सकता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहे आप यहाँ ऐड कर दो चाहे यहाँ ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए कि सर एसिमेट्रिकल मींस कि आपके पास आ गया CH3CH double bond CH2, इट इज नॉन एज एसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहां पे आप इसकी रिएक्शन HX के साथ करवा रहे हो। यहां पे अगर आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो HX के साथ, अगर आप एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हो तो हाइड्रोजन हमेशा वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। एल्कीन से कितने कार्बन बॉन्डेड है, एक तो ये कार्बन बॉन्डेड है और एक ये कार्बन बॉन्डेड है, ठीक है ना।
एल्किन से जो कार्बन बॉन्डेड है, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो एच प्लस हमेशा वहीं जाएगा और एक्स माइनस आपके पास वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH X CH X, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, CH3। और इस रूल को अपन क्या कहते हैं, इस रूल को अपन कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। मार्कोनिकोफ रूल, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल कि अगर आप एसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हो, एसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हो, हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, है ना। तो अगर आप एसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हो, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यानी कि H और X में H पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और X पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो H कहाँ जाएगा, यहाँ CH2 पर, और X कहाँ जाएगा, आपके पास CH पे। इसको अपन कौन सा रूल कहते हैं, इट इज नोन एज मार्कोनिकोफ रूल। दोबारा बोल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल ऑन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विथ एसिमेट्रिकल एल्कीन, पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मूव्स टू डेड कार्बन ऑफ एल्कीन एट विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस एंड सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मूव टू डेड कार्बन एट विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस। जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे पॉजिटिव पार्ट। इसको अपन कौन सा रूल कहते हैं, इसे अपन मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। तो ये अपने पास कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये अपने पास हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सर क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर आपके पास फर्स्ट अटैक, यानी कि यूं कहूं कि दैट अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल हो, कि फर्स्ट अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का हो, तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। फर्स्ट अटैक किसका हो, न्यूक्लियोफाइल का हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। कि सर कैसे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिएगा, ये आपके पास मान लीजिए कि अपने पास या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। कि सर कैसे पता चला एल्डिहाइड है या कीटोन है, यहाँ पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो तो या तो आपके पास क्या होगा एल्डिहाइड होगा या आपके पास क्या होगा कीटोन होगा। चलो आपके लिए इसको एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 और यहाँ पे आपके पास H। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो CH3CHO इट इज एल्डिहाइड, ठीक है ना। कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करवा देता हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। HCl को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें अगर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यार हाइड्रोजन अगर पहले अटैक करता तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाती, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे CN पहले अटैक करेगा, CN पहले अटैक करेगा तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक। सर कैसे हो जाएगी, तो आइए देखते हैं कैसे। कि आपके पास यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है।
कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? कि सर कार्बन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि सर हम इसे लिखेंगे सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि सर क्या कि मैं अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवाऊं, संतुष्टि तो चाहिए ना मन में कि सर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करता है, अपने घर की बात थोड़ी है कि आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल ही पहले अटैक क्यों करता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि मैंने आपके कहने पर पहला अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का करवा दिया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया तो मेरे पास क्या आएगा? CH3CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? कि सर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहाँ पे O के साथ आपके पास क्या आ गया? E आ गया। ओके, अब देखिएगा कि ये है इंटरमीडिएट, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। कि सर कैसे? यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? कम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो इसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी? कम रहेगी। मैं अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का करवा दूं Nu- का, तो उससे क्या होगा? उससे मेरे पास आएगा CH3C, यहां पे H, यहां पे Nu और यहां पे आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अब ये जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कि सर कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4, मींस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? ज्यादा। तो ये इंटरमीडिएट कभी नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट हमेशा कौन सा बनेगा? ये नीचे वाला। तो नीचे वाले इंटरमीडिएट में पहले किसका अटैक हो रहा है? कि सर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा है, तो पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, यानी कि रिएक्शन कौन सी रहेगी आपके पास? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सर बाद में क्या होगा? बाद में जैसे ये इंटरमीडिएट है CH3C, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे आपके पास Nu, यहाँ पे O पे माइनस, फिर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। बट पहला अटैक तो किसका हो गया? पहला अटैक आपके पास किसका हो गया? न्यूक्लियोफाइल का हो गया। तो इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे पहले H+ का अटैक करवाता तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मैंने पहले CN- का अटैक करवाया तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट आपके पास क्या है? कंप्लीट। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। और जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो वही पहले अटैक उसी का होगा, और पहले अटैक जिसका हो वो आपके पास क्या हो जाएगा? उसी की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपके पास कौन सी रहेगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। E+ की जगह मैं यहाँ पे H+ लिख देता हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, और Nu- की जगह पे यहाँ पे CN- लिख देता हूँ, ओके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो कल की क्लास में स्टूडेंट अपन डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉर द NAR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। ये मैकेनिज्म थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। कल कौन सा कंपाउंड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, यानी कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और क्या उसका रीजन है, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके, बाय एंड थैंक यू।